अस्सलाम वालेकुम। आज हमने बात करनी थी बायबॉक्स के ऊपर, क्योंकि बायबॉक्स का बड़ी फ्रीक्वेंसी से ऐसा लगता है कि लोगों को के एल्गोरिदम्स चेंज हो रहे हैं, या फॉर सम रीजंस नए सेलर्स को बायबॉक्स नहीं मिल रहा। देखें, एक वक्त था जब ये 2000 कोई 16 या 15 से पहले की बात थी, बायबॉक्स इक्वली रोटेट हुआ करता था। यानी कि नया सेलर भी बैठा है, पुराना सेलर भी बैठा है, और बाय बॉक्स जो है वो इक्वली तकरीबन मिल जाया करता था। फिर अमेज़ॉन ने चीज़ें अपनी अपडेट की हैं, और वक्त के साथ साथ इसमें तब्दीलियां आती रहती हैं, अभी भी आ रही होंगी। बैक एंड पे क्या काम चल रहा है वल्ला आलम, हमें नहीं पता। होता क्या है कि अमेज़ॉन बाय बॉक्स का रेट जो है, जो डिस्ट्रीब्यूट करता है, जो डिफॉल्ट जो पैटर्न है ना, जो हमेशा से, या हमेशा से नहीं भी तो, लेकिन एक ये कह लें कि एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है अमेज़ॉन का, वो सबसे पहले वो देखता है बाय बॉक्स जो चीज़ चेक करता है वो होती है प्राइस। अच्छा, प्राइस के साथ, लेकिन ये प्राइस जब कम मिले किसी सेलर के, तो ऐसा नहीं है कि बाय बॉक्स ने डिसाइड कर लिया कि अच्छा जी अब सेलर को दे दो, ऐसा नहीं है। बायबॉक्स प्राइस कम हुए, लेट सपोज एक सेलर है सेलर वन और दूसरा सेलर है सेलर टू, तो सेलर वन ने प्राइस गिराए, अब बायबॉक्स उसे मिल गया। एक तो आपके हमारा डिफॉल्ट जो नया कोई अमेजोन में जो शख्स आता है या जो कम एक्सपीरियंस है, वो ये समझता है कि जी मैं कम कर दूंगा तो मुझे बायबॉक्स मिल जाएगा। तो हर दफा ऐसा नहीं होता, कभी कभार होता है, कभी नहीं भी होता, लेकिन उसके डिफरेंट और भी रीजंस हैं, और भी एल्गोरिदम्स हैं। और भी वो ये होते हैं कि बायबॉक्स का, जब आप जब ना एज अ सेलर वन जब प्राइस गिराएगा, तो बायबॉक्स प्राइस तो चेक करेगा, फिर उसके बाद वो चेक करेगा डिलीवरी टाइम्स भी, और एक और चीज होती है सेलर परफॉर्मेंस भी। तो सेलर परफॉर्मेंस क्या चीज होती है, यानी कि सेलर परफॉर्मेंस भी दो तरीके से होती है। एक तो ओवरऑल उस सेलर की परफॉर्मेंस कैसी है, क्या किसी किस्म के ओडीआर तो नहीं लगे हुए। ओडीआर उमूमन नहीं लगते हैं एफबीए, होलसेल एफबीए करते हुए, ओडीआर उमूमन लग जाते हैं आपका एफबीएम या ड्रॉप शिपिंग करते हुए। एफबीए करते हुए ओडीआर के चांसेस बहुत ही कम है, नहीं आते ऑल। तो इससे होता यह है कि अमेज़ॉन जो बायबॉक्स है वो आपका परफॉर्मेंस चेक करता है सेलर का। अब सेलर वन की ओवरऑल परफॉर्मेंस देखेगा, अच्छा जी सब ठीक है, कोई ओडीआर नहीं है, कोई डिफेक्ट रेट नहीं है, तो फिर वो देखेगा कैटेगरी स्पेसिफिक ओडीआर, कैटेगरी स्पेसिफिक एनसीएक्स। एक चीज आप लोगों ने सुनी होगी, नेगेटिव कस्टमर एक्सपीरियंस, ये अब इम्पैक्ट करता है आपके बायबॉक्स को, आपकी बायबॉक्स एलिजिबिलिटी को। तो अगर लेट सपोज के वो प्रोडक्ट जो आप बेच रहे हैं, और उस कैटेगरी के ऊपर या उस प्रोडक्ट के ऊपर जो है आपके एनसीएक्स बढ़ गए हैं, एनसीएक्स जो होता है नेगेटिव कस्टमर एक्सपीरियंस होता है, जिसे हम जो बाय बॉक्स कैलकुलेट कर रहा होता है, तकरीबन 15-15% का ये अलाउ करता है। यानी कि अगर आपकी फॉर एग्जाम्पल आपने 100 यूनिट्स बेच दिए हैं, तो 15 यूनिट्स आए हैं जिसमें नेगेटिव कस्टमर एक्सपीरियंस के साथ रिटर्न्स आ गए हैं, तो वो लिस्टिंग अमेज़न आपको पहले वार्निंग देगा, उसके बाद उस लिस्टिंग को बंद कर देगा, तो ये सस्पेंड हो जाती है आपकी लिस्टिंग, बेसिकली आपकी ऑफर सस्पेंड हो जाती है। अगर उसके अंदर एफबीए में आपके प्रोडक्ट्स पड़ी हैं, मौजूद हैं, तो वो चीजें भी आपको देखनी पड़ेंगी कि वो फिर आपकी इन्वेंट्री आपको रिमूव करनी पड़ेगी, स्ट्रैंडेड भी हो जाती है अक्सर। तो ये चीज एक आपके सामने आती है, तो एनसीएक्स ना हो, रिटर्न्स 15% से तजावुज ना करे, ऊपर ना निकले, उससे कम रहे। तो पहली चीज हमें ये इसलिए हम देखते हैं कि जो आप लोगों ने देखा होगा जब हमारी जो भी ट्रेनिंग्स है, तो हम कहते हैं कि कम से कम 3.5 या 4 स्टार से ज्यादा रेटिंग्स हो। बाज़ औक़ात कोई शख्स आपको आके ये कह सकता है कि जी 2.5 रेटिंग है, कोई बात नहीं, कम बिकेगा लेकिन प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। बट इसका बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि अमेजोन आपकी लिस्टिंग सस्पेंड कर देगा, आपका माल जो स्टॉक पड़ा हुआ है वो भी फंस जाएगा। तो यू हैव टू बी केयरफुल कि आप ऐसी प्रोडक्ट्स के ऊपर पहले से हाथ ही ना डालें। और अगर आपकी प्रोडक्ट का रिव्यू, अच्छा इसमें ऐसा भी होता है कि अगर उस लिस्टिंग के ऊपर जिस पर आप पहले से काम कर रहे हैं, उस पर रिव्यूज आ रहे हैं और खुदा ना खासा नेगेटिव आ रहे हैं अगर,
तो आपको देखना होगा, आपको यू हैव टू कीप योर आईज ओपन कि क्यों नेगेटिव रिव्यूज आ रहे हैं, क्या कर सकते हैं कि वो बेहतर हो सके, कोई ब्रांड का कोई प्रोडक्ट का मसला है तो हम देख सकें। तो जस्ट कीप एन आई ओपन। ज्यादातर ऐसा होता इसलिए नहीं है कि अगर एक अच्छी प्रोडक्ट है जिसका ऑलरेडी रेटिंग 4, 4.5, 4.7 या इस तरह कुछ है, तो उस पे और उसकी सेल्स भी अच्छी हो रही है तो उस पर नेगेटिव रिव्यूज इतने नहीं आते। आते होंगे, एक दो आ गए तो, लेकिन ऑन दी अदर हैंड उसके ऊपर 20-25 एट द सेम टाइम पॉजिटिव रिव्यूज भी आ रहे हैं, तो वो एक दो नेगेटिव जो है वो उसे बॉदर नहीं करते, इतना बड़ा मसला नहीं बनता है। दिस इज वन ऑफ द रीजंस जब मैं कहता हूं कि जी होलसेल सेफेस्ट बिजनेस है कंपेयरिंग टू पीएल या डीएस, तो ये भी एक रीजन है कि इसमें रिव्यूज की पंचायत ही नहीं है, कोई फटी की नहीं है इसके अंदर, ये वाली हमारी है। तो शायद और नादिर कभी किसी के साथ मसला आए तो आए, वरना नहीं है। बहरहाल, तो एनसीएक्स का ये मामला था। अब अगर आपकी सेलर परफॉर्मेंस ऐसी है, आपको लगता है कि नहीं जी एनसीएक्स उस लिस्टिंग की कोई रिटर्न्स ऐसी नहीं आई हुई है, तो ये चेक करना बहुत जरूरी है। तो ऐसी पोस्ट भी मैं देखता हूं अभी सेलर्स की ग्रुप में, जो आके कहते हैं कि जनाब हमें पिछले दिनों सेल्स मिल रही थी उस लिस्टिंग के ऊपर, अब मिलना बंद हो गई है क्योंकि बायबॉक्स नहीं मिल रहा है। तो ये एक रीजन, मेन रीजन ये भी हो सकता है, जो आप देखते हैं कि जी बायबॉक्स जो लिस्टिंग का जो बीएसआर है वो मेंटेन हुआ हुआ है, वो गिर नहीं रहा, वो खराब भी नहीं हो रहा, और लोग और सेलर्स को सेल्स भी मिल रही हैं, आपको बायबॉक्स नहीं मिल रहा है, तो दैट इज वन ऑफ द रीजंस। अच्छा, एक साहब ने यह भी लिखा था कि कीपा मुझे बता रहा है कि बायबॉक्स मुझे जस्ट नाउ मिला है। कीपा कैशे भी यूज कर रहा है, कीपा आपको इमीडिएट रिजल्ट्स नहीं देता है, तो इस बात पे लेटेस्ट रिजल्ट्स के ऊपर कीपा पे हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। अगर कीपा कहता है कि जी सेलर वन को बाय बॉक्स मिला, उसके आगे लिखा हुआ जस्ट नाउ, आई डोंट थिंक दैट्स रियल, वो रियल नहीं है। वो आपको जस्ट नाउ, थोड़ी देर पहले का जस्ट नाउ उसके पास कैशे में आया हुआ है, वो तब का उसको बता रहा है। अभी राइट नाउ किसको मिला है यू नेवर नो, अनलेस के आप उसको चेक करें। बायबॉक्स एक मिलने का ज्यादा चांस एक होता है स्टॉक, यानी कि आपका और आपके कंपेटिटिव सेलर्स का स्टॉक कितना है। अगर आप 12 पीस ट्रायल ऑर्डर के पहली बार में डाल के बैठे हैं, तो लाजमी है कि बायबॉक्स का रेट आपका कम होगा कंपेरेटिवली अदर सेलर्स, अगर उनके उनका स्टॉक ज्यादा है। तो एक चीज को समझें कि अमेजॉन जब आप उसको स्टॉक ज्यादा भेजते हैं, लेट सपोज 100 पीस आपने भेज दिए, तो अमेजॉन उस 100 पीसेस को मिल्क को डिस्ट्रीब्यूट करेगा अलग अलग वेयर हाउसेस में। कैलिफोर्निया में रखा हुआ है तो टेक्सास के वेयर हाउस के अंदर भेजेगा कुछ यूनिट्स, क्योंकि वहां से जो करीबी इलाके हैं वहां उनको शिपिंग सस्ती पड़ती है और स्पीड उसकी बढ़ जाती है, क्योंकि अगर वो करीबी जो स्टेट है टेक्सास से, ह्यूस्टन से ऑर्डर आ रहा है और ह्यूस्टन टेक्सास के अंदर वेयर हाउस में स्टॉक मौजूद है, तो अमेजोन के लिए तो फायदा ही है ना। शिपिंग एक तो कॉस्ट बहुत कम हो गई, प्लस डिलीवरी फास्ट हो गई, तो ये चीज बहुत मैटर करती है। तो अगर कोई बायर ह्यूस्टन से या कहीं से बैठ के ढूंढ रहा है आपकी प्रोडक्ट के ऊपर आया हुआ है, और उसका डिलीवरी डिफॉल्ट से कोड लगा हुआ है उसके ह्यूस्टन के अपने जो भी घर या ऑफिस जहां का भी एड्रेस है, तो Amazon आपकी प्रोडक्ट को, आपकी ऑफर को बायबॉक्स दे देगा अगर वहां स्टॉक मौजूद है और दूसरे का मौजूद नहीं है। तो अगर स्लाइटली प्राइस के अंदर फर्क नहीं है, तो लेट सपोज के आपके प्राइस सेलर वन के और सेलर टू के प्राइस सेम है, मैच हुए हैं, यानी कि लेट सपोज 10.99 आपका प्राइस है उसका भी, लेकिन अब आप कहेंगे जी किसको बायबॉक्स मिलेगा, तो इसमें इस सूरत में Amazon जो है वो स्टॉक लेवल्स भी चेक करता है, क्या सेलर टू का स्टॉक ह्यूस्टन में या टेक्सास में कहीं पर पड़ा हुआ है, सेलर वन का पड़ा हुआ है, तो सेलर वन का पड़ा हुआ है तो डिलीवरी टाइम्स तो कम हो गए ना उसके लिए, क्योंकि वो बायर भी ह्यूस्टन का है, टेक्सास का है। इसी तरह सेलर टू का स्टॉक वहां नहीं पड़ा हुआ, तो अमेजॉन डिलीवरी टाइम्स चेंज हो गए, सेलर टू का डिलीवरी टाइम ज्यादा आ रहा होगा, सेलर वन का डिलीवरी टाइम कम आ रहा होगा। तो ये एक और फैक्टर है जिसके ऊपर अमेजॉन बायबॉक्स का डिसीजन बनाता है, यानी कि जो उसके एल्गोरिथम्स है वो बायबॉक्स का डिसीजन लेते हैं। तो ये चीजें हमें जहन में रखनी है। एक और बात, नया सेलर जब होगा जिसका कोई भी फीडबैक नहीं होगा, तो उसके चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं बायबॉक्स हासिल करने के। अब आप कहेंगे कि जनाब मैं क्या करूं, मैं भी नया सेलर हूं, ज्यादातर नए सेलर्स हैं क्योंकि नए स्टूडेंट्स आते हैं, नया काम शुरू कर रहे हैं, तो नए सेलर्स हैं। तो इसके लिए आपने करना यह है कि आपने कोशिश ये करनी होती है, इसलिए मैं एक चीज लोगों से, मतलब मैंने हमेशा बताई है कि कोल इम्पोर्ट्स जैसे एक वेबसाइट है, बड़ी कहते हैं कि जी कोई खास प्रोडक्ट्स नहीं होती, बस वही है, फालतू प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी कुछ, लेकिन वो फालतू प्रोडक्ट्स नए सेलर्स के काम की होती हैं। कैसे,
उससे वो उससे आपको सस्ती प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं, $1 की, $2 की, इस तरह की, $5 की, इस तरह की प्रोडक्ट्स आपको मिल जाती हैं। ये प्रोडक्ट्स आप लें और समझें कि ये आपकी बिजनेस इन्वेस्टमेंट है, इसमें आपको प्रॉफिट नहीं चाहिए। आप अगर ब्रेक इवन पे बेच सके तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ब्रेक इवन पे बेच सके तो वो प्रोडक्ट उठाएं, कोल इम्पोर्ट से परचेज करें और अमेजोन पे भेज दें। कोल इम्पोर्ट के पास कोई बड़े ब्रांड्स नहीं है, मतलब कह लें कि जी जेनरिक प्रोडक्ट्स है, कुछ अपने ब्रांड की प्रोडक्ट्स भी हैं, कुछ जेनरिक हैं, वो प्रोडक्ट्स उठा के वहां भेज दें। नॉर्मली उसके ऊपर इनवॉइसिस नहीं मांगता अमेजोन, ना ही कोई ऐसा मसला बन जाएगा कि लाएगा कि जाए जिलाए आप इनऑथेंटिक प्रोडक्ट बेचना है, तो इनऑथेंटिक प्रोडक्ट्स का मसला उस पर उमूमन नहीं आता। वल्ला आलम, खुदा ना खासा किसी के साथ आ जाए तो बात अलग है, लेकिन गारंटीड बात ही बातें मैं नहीं करता। तो वो प्रोडक्ट्स अमेजोन उसमें डाल दें, अच्छा वो चली गई, बिक गई, सेल होना शुरू हो गई आपके पास, तो फीडबैक जीनियस एक सर्विस है, फीडबैक जीनियस गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा, वो सर्विस इस्तेमाल करें। उसके कोई 100 ईमेल्स फ्री देता है पर मंथ वो आपको, उसको यूज कर लें, वो कनेक्ट होगा आपके MWS यानी कि सेलर अकाउंट से कनेक्ट होगा यूजिंग MWS API की, और इससे ये होगा कि वो आपके जैसे जैसे ऑर्डर्स आएंगे आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे फीडबैक जीनियस में, तो वो आपके ईमेल्स भेजेगा बायर को रिक्वेस्टिंग फॉर ए फीडबैक, फॉर अ सेलर फीडबैक, रिव्यू नहीं, सेलर फीडबैक। प्रोडक्ट रिव्यू तो वैसे ही वो अलग है ना, उसकी जिम्मेदारी हमारी अभी नहीं है, हमारी जिम्मेदारी है सेलर फीडबैक की। तो सेलर फीडबैक हमें चाहिए, तो हमने ऑर्डर कर दिया, फुलफिल हो गया, बायर को मिल गया, उसके बाद एक ऑटोमेटिकली ईमेल गई बायर को कि जी आई होप यू रिसीव द प्रोडक्ट एंड यू आर हैप्पी विद इट एंड इफ यू कैन डू अस अ फेवर, वी आर न्यू हियर एंड लीव अस अ फीडबैक व्हाटएवर, तो वो फीडबैक छोड़ देगा। ख्याल रहे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी आ सकता है, यानी कि अगर कोई बायर बितका हुआ बैठा है पहले से आपसे और आपने उसको रिमाइंडर भेजा कि जी फीडबैक डालो तो सारी बड़ास वहां के निकालेगा, ये भी हो सकता है। तो आई मीन ये आपका डिसीजन है, इफ यू वांट टू डू इट और नो, इट्स कंप्लीटली अप टू यू। तो कर सकते हैं, रिस्क है लेकिन ठीक है। तो उससे आपको फीडबैक मिलना शुरू हो जाते हैं, जब वो फीडबैक 1, 2, 5 भी फीडबैक आ जाएंगे तो आपकी क्रेडिबिलिटी बिल्ड हो जाएगी। अगर प्रॉफिट पॉजिटिव फीडबैक्स आ गए तो अमेजोन की नजर में आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ गई है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी करना चाहिए, फीडबैक्स हासिल करने चाहिए ताकि आपकी परफॉर्मेंस बिल्डअप हो। तो ये 4-5 पॉइंट्स थे जो मैं समझता हूं कि आपको जब बायबॉक्स का, जब आप देखते हैं कि बायबॉक्स नहीं मिल रहा है तो ये 4-5 चीजें अपने जहन में रखें कि क्या क्या इसके अंदर से रीजंस हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बायबॉक्स का ग्लिच है, बायबॉक्स का ग्लिच वो अमेजोन खुद कहता है कि कोई ग्लिच नहीं है, अलबत्ता लोग कहते हैं कि जी है और हम बिल्कुल ठीक थे और अचानक से सेल्स बंद हो गई, बायबॉक्स बंद हो गया, तो मुझे लगता है कि कुछ हुआ, लेकिन मेरे जो भी 2 स्टोर्स चल रहे हैं जितने भी उसमें ऐसा मुझे मैंने फेस नहीं किया मेरे, क्योंकि वो सारे स्टोर्स की फीडबैक मौजूद है, क्रेडिबिलिटी बनी हुई है, तो मैंने कोई ऐसा मसला फेस नहीं किया। हाँ हो सकता है आप लोग जिन्होंने फेस किया वो नए सेलर्स हों, कोई फीडबैक ना हो उसके अकाउंट के ऊपर, तो इस वजह से भी ये मसला आ सकता है। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।